सीधी साधी बहू से किन्नर के रोल तक रुबीना दलाक ने ऐसी बनाई है इंडस्ट्री में अपनी पहचान। आइए मैं आपको पूरी इंडस्ट्री में किस तरीके से वो अपनी पहचान अलग बना रही है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आपका बिग हेडलाइंस में। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दलाक 26 अगस्त को अपना बर्थडे मना रही है। रुबीना ने बहुत ही कम समय में अपनी अदाकारी से इंडस्ट्री में जमकर अपनी एक पहचान बना ली है। एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं और उनके बर्थडे पर आइए उनके करियर जर्नी पर एक नजर डालते हैं। रुबीना ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो छोटी बहू से की थी। इस शो में वो बेहद ही सीधी साधी सी बहू के किरदार में थी। शो में उनकी सादगी फैंस को काफी पसंद आई थी। सीरियल काफी पॉपुलर हुआ। पहले ही शो से रुबीना को घर घर में पहचान मिली। इस शो में उनका नाम राधिका था। वो शो में अविनाश सचदेव के अपोजिट रोल में थी। शो इतना हिट हुआ कि उसका दूसरा सीजन भी आया। दूसरे सीजन में भी रुबीना ही लीड रोल में थी। 2012 में वो सास बिना ससुराल में नजर आई और इस शो में उनके कैरेक्टर का नाम स्माइली था। इसके बाद आपको बता दें कि 2013 में वो पुनर्विवाह कर एक नई उम्मीद में नजर आई थी और दोनों ही शोज में उन्हें काफी पसंद किया गया था क्योंकि उनकी एक्टिंग ही इतनी जबरदस्त और कमाल की होती है कि हर घर घर में वह एक बहू के रूप में पसंद बन चुकी हैं। इसके बाद वह माइथोलॉजी शो देवों के देव महादेव में सीता के किरदार में देखी थी। इसके अलावा शो जीनी और जूजू में भी उन्होंने अपनी अदाकारी दिखाई है। इन सब शोज से रुबीना को इतनी पहचान नहीं मिली जितने की उन्हें छोटी बहू से मिली थी। 2016 में उन्हें एक ऐसा ही शो मिला जिसने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया। शो का नाम है शक्ति, अस्तित्व के एहसास की। इस शो में रुबीना ने दमदार कैरेक्टर रोल प्ले किया है। वो किन्नर बहू के रोल में थी। इस कैरेक्टर ने उन्हें खूब नेम फेम दिया। पर्सनल लाइफ में छोटी बहू को स्टार अविनाश सचदेव संग उनके रिलेशन की खबरें भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया और दोनों ने अपने अपने रास्ते को अलग कर लिए। इसके बाद 2018 में रुबीना ने टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला के साथ शादी रचा ली। दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी। उनकी शादी की तस्वीरें भी फैंस खूब वायरल कर रहे हैं और खूब देख भी रहे हैं। और फिलहाल आज रुबीना अपना बर्थडे मना रही है, तो आप भी विश करें रुबीना को हैप्पी बर्थडे और बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या बोलना है रुबीना को उनके बर्थडे के मौके पर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।